डियर फ्रेंड्स, ज्ञान स्केल स्कूल ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके पास आया हूं एक आर्टिकल लेके, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हालांकि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो केस है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है यदि मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। इससे पहले जो हमने बात की वो एक्सियल लाइन को लेके की, आज जो हम बात करने वाले हैं इक्वेटोरियल लाइन पे बात करने वाले हैं। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो जनरल केस रहेगा। तो तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इक्वेटोरियल और इससे एक्सियल लाइन से पूछे जाते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा इक्वेटोरियल लाइन पे, तो चलिए आज के टॉपिक पे जाने से पहले मैं कुछ बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं जो हर स्टूडेंट्स को उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है उसको एक्सप्लेन करना। इस आर्टिकल में पूछा गया है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, तो सबसे पहले तो छोटी छोटी चीज़ें उनकी आपको छोटी छोटी सी चीज़ें उनकी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? इक्वेटोरियल लाइन मीन्स लाइन विच पास बाइसेक्ट किसी भी सिस्टम को या किसी भी ऑब्जेक्ट को टू पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। पर यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात है इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो ऐसी लाइन जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक डायपोल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो कौन सी लाइन है? तो दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन क्या कर रही है? इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो आप इसको जस्ट, अब इसको कैसे आप डिफाइन करना है? मान लीजिए आपसे पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया या टीचर ने आपसे पूछ लिया गया कि हाउ यू डिफाइन इक्वेटोरियल लाइन। तो क्या है? द लाइन विच पासिस नॉर्मल टू द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। अब जो नेक्स्ट है मेरा, यहाँ पे मैंने ब्रॉड साइड ऑन पोर्शन भी इसको कहते हैं, राइट। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यह भी जैसे क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। कभी क्या होता है, कभी एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज कर लेता है और आपसे पूछ लिया गया कि यू हैव टू ड्राइव आउट द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहाँ पे निकालनी है? ब्रॉड साइड ऑन पोर्शन। अब ब्रॉड ऑन साइड पोर्शन स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज, क्योंकि बहुत सारी अगर टेक्स्ट बुक, जो भी मैंने टेक्स्ट बुक, जब भी मैंने काफ़ी टेक्स्ट बुक के गो थ्रू किया तो बहुत कम टेक्स्ट बुक में इस टर्मोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ के ऊपर भी फोकस किया है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स जान नहीं पाते हैं कि ब्रॉड साइड पोर्शन का मतलब क्या हुआ। तो ब्रॉड साइड पोर्शन मीन, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ये पार्टिकल, तो दिस पोर्शन ऑफ द पार्टिकल इज कहाँ पे है? एट द ब्रॉड साइड ऑन पोर्शन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ब्रॉड साइड ऑन पोर्शन का मतलब पोर्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। किसी भी पार्टिकल की इक्वेटोरियल लाइन पे की जो पोर्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? ब्रॉड साइड ऑन पोर्शन। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद अभी भी हम मेन आर्टिकल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले जब भी हम, आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो केस है, मैंने कई बार आपको रिपीट किया, जब भी हम कोई केस इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी केसेस हम लेने से पहले हमें उसकी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का नॉलेज होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब जानकारी भी है, कुछ स्टूडेंट्स को इसकी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो मैं हर बार इस चीज़ को लेके आ रहा हूँ ताकि उन स्टूडेंट्स तक भी मेरी रीच हो जाए कि जो नहीं समझते हैं कि, और दे गेट कन्फ्यूज कि इलेक्ट्रिक वेक्टर हमें कैसे ड्रॉ करना है। कभी कभी ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेमोरी बेसिस पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। और उससे क्या होता है, उनकी मिस्टेक, और दे गेट कन्फ्यूज, वो उन फिगर्स को लर्न आउट करते हैं। तो देयर इज नो नीड टू लर्न, क्योंकि मैंने कहा कि फिजिक्स के साथ आपको प्ले करना है, इन आंकड़ों के साथ खेलना है, तो बहुत आसान है। अब देखिए, आपको दो चीजें नोट करनी है। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ लगता है? अगर पॉजिटिव चार्ज है आपके पास तो इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ होती है? टू वार्ड। और नेगेटिव में कहाँ होती है? अवे। ये दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। नेगेटिव में कहाँ लगती है? दैट इज अवे फ्रॉम द। ये दो चीजें जब आपको मालूम है तो आप, दिस आर फंडामेंटली आपके बेसिस है, ये जब क्लियर है आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे आपने क्या निकालना है, इस पॉइंट पे पी पे
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज ए, ए इज द सोर्स चार्ज और इस पॉइंट पे मैंने कौन सा चार्ज प्लेस किया, दैट इज द टेस्ट चार्ज, जिसको हम जनरली लिखते नहीं है, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया, जहाँ पे इंट्रैक्शन बिटवीन ए और पी के बीच की जो इंट्रैक्शन है इन दोनों के बीच, तो पी पे कौन सा चार्ज सपोज टू बी, दैट इज द टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज की नेचर कैसी होती है, दैट इज अ पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, पी भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ लगेंगे, आपको मालूम है, दैट इज अ अवे, बाहर की तरफ लगेंगे, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर आपका बाहर की तरफ लिखा, अगर ए है तो आपने इलेक्ट्रिक वेक्टर को कैसे सिंबोलिक कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, राइट। अब जब यहाँ पे मैंने इस वेक्टर को तो रिड्रॉ कर लिया, अब इसके बाद अभी आपका आर्टिकल यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ठीक, अभी आपका कुछ और वर्कआउट करना है। अब आपने देखना है इसके बाद जब भी आप डायग्राम रिड्रॉ करें तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद आपने देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक जो वेक्टर है ये क्या है, इसकी ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक मेकिंग सम एंगल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, जब बना रहा है तो इट मीन्स ये कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है, वो आपको कंपोनेंट निकालने हैं। तो आपको मालूम है दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, जिसको हम बहुत अच्छे ढंग से या बहुत अच्छी टेक्निक्स डिप्लॉय करके हम उसको निकाल सकते हैं। तो हमने देखना है कि इसका वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तो मैंने इसका एक साइड व्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया है, तो आपके इससे मैंने इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, इसको यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखिए, मैंने यहाँ पे साइन रेशियो अप्लाई किया, साइन रेशियो दैट इज अ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, आप देख रहे हैं जितनी फिजिक्स में बहुत बहुत सिंपल से मैथमेटिकल टूल्स लग रहे हैं, क्लियर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ थीटा और परपेंडिकुलर ई ए साइन ऑफ थीटा, मेरे केस में यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाला साइड क्या हाइपोटेन्यूज, दैट इज अ ई ए। अब इट मींस परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर इट मींस ई ए साइन थीटा आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ऑफ कोर्स बेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ कौन रहेगा, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि आप कॉस थीटा की सिमिलर मैनर में आप निकालेंगे तो आपके पास बेस की तरफ जो साइड रहेगी ई ए कॉस ऑफ थीटा रहेगी। अब जो नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने फोकस किया है बी और पी के बीच का इंट्रैक्शन, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, दैट्स अ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज माइनस बी के बीच का इंट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ लगेंगे, दैट इज टुवार्ड द नेगेटिव, राइट। तो टुवार्ड द नेगेटिव हमने ये हमने जो मैंने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए थे, नेगेटिव तरफ लग रहे हैं। तो अब फिर यहाँ पे उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट क्या कहा था, आपने इसके बाद देखना है कि ये इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, जो आपके पास है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके साथ क्या बन रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, राइट। तो इट मीन्स दिस इलेक्ट्रिक वेक्टर रिजॉल्व इंटू टू कंपोनेंट, उसके बाद हम इसके दो कंपोनेंट निकालने हैं, फिर देखना है कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, क्योंकि अब वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ होगा इसमें, यहाँ पे और हॉरिजॉन्टल, इन दोनों का रिजल्टेंट दिस साइड है, ये आपका इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो अब यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इसको इसका साइड व्यू यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, जब वही सिमिलर साइन रेशियो अप्लाई किया तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर आ गया आपके पास ई बी साइन ऑफ थीटा, अब परपेंडिकुलर साइड कहाँ आपके पास, यहाँ पे है, तो आपके पास इस नीचे की तरफ जो वर्टिकल कंपोनेंट आपका ई बी साइन थीटा, और जो इस तरफ जो है बेस की तरफ कौन सा कंपोनेंट रहेगा, ई बी कॉस ऑफ थीटा, क्लियर। तो ये छोटी छोटी सी जानकारियां हैं, मैंने इसको तोड़ तोड़ के ब्रेकअप में जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ किया। अब मैं क्या करूंगा, जब आपका मेन आर्टिकल आएगा तो उस दोनों को क्या करूंगा, कंपोजिट कर दूंगा इन दोनों का, इन दोनों को इंटेग्रेट कर दूंगा। और अब देखिएगा, अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है, अब यहाँ पे इंट्रैक्शन विद ए और इंट्रैक्शन विद बी दोनों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिड्रॉ कर लिया, और जो ही वेक्टर जैसे जैसे लग रहे थे जो अभी एक्सप्लेन किए वैसे वैसे वेक्टर डायग्राम आपकी बन गई। जब भी आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का केस है, सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही आपका मेन वर्कआउट है। अगर जब आपने इसके ऊपर फिगर के ऊपर आपने वर्कआउट कर लिया तो इट मीन्स आपने बहुत सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, ये समझिए कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, आप क्वेश्चन आपका हो चुका है,
ओके तो अब देखिए कि जो वेक्टर मैंने जैसे जैसे थे उन्होंने ड्रॉ कर लिए। अब मैंने क्या करना है, जब भी आप कहते हैं कि यू हैव टू राइट डाउन सम लाइंस, एग्जाम में कुछ लाइंस लिखना होती हैं, दिस इज योर मेन आर्टिकल जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाली है इक्वेटोरियल लाइन पे। तो मैंने क्या किया, इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट पी लिया। कहाँ से लिया, पी कहाँ से लेते हैं, आपको मालूम है कि सारे के सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लिए जाते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिस्टम या सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, ए डी, जो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट, और इसका सेंटर कहाँ है, ओ है। सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लिए जाते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अदर। तो ओ पी इक्वल टू एक्स मैंने कंसिडर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। अब इसके बाद देखिए जो वेक्टर आपके पास बने हैं, अब देखिएगा जो ई ए साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, ये दोनों कैसे हैं, कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में अगर दूसरा नीचे की डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके अब इसके बाद थोड़ा सा और था ध्यान देना है कि जो मैग्नीट्यूड है ई ए इज इक्वल टू ई बी, जो ई ए दैट इज इक्वल टू ई ए दैट इज इक्वल टू ई बी। ओके ये क्यों बराबर है, ये दोनों बराबर है क्योंकि ए पी का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस दोनों क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या हो रहेगी, पी पे क्या रहेगी, बराबर रहेगी, सेम रहेगी। तो इसलिए अब ये क्या करेंगे, ये जो दोनों कंपोनेंट है, एक ऊपर की तरफ है उतना ही कंपोनेंट नीचे की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और हेंस हम इसको यहाँ पे अवॉइड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब आपके पास कौन सा कंपोनेंट रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई ए कॉस ऑफ थीटा और ई बी कॉस थीटा। अब डायग्राम में देखिए दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, समअप हो गए, इन दोनों को एड अप हो गए। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कहाँ लग रही है, अब इस डायरेक्शन में लग रही है। तो आपके पास, और यही आपका मेन टारगेट है जो आपसे पूछा गया था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। इसके बाद ये मेरी मास्टरीफिकेशन रहेगी, और फिर उसके बाद मैंने देखना है कि इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, राइट। तो वही चीज हमने इसको लिख दिया, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों क्या होगी, एड अप हो गई। अब इसके बाद ये जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई बी, दोनों बराबर है क्योंकि दोनों के डिस्टेंसेस पी से ए का और पी से बी का डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो इसलिए ई ए इज इक्वल टू ई बी इस इक्वेशन में पुट किया, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर वन, जिसको वी कैन रिकॉल इट एज ए मास्टर इक्वेशन। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हर इक्वेशन को, क्योंकि मैं क्या करूँ, आप पहले एक स्टेप को उसको अटेम्प्ट करूँ, उसके बाद उसके ऊपर स्टेप बाय वाइज, फिर उस स्टेप को व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, अपने मन से क्वेश्चन अरेज करना है कि इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि इक्वेशन अपने आप डिमांड कर रही है। अब आपके पास इक्वेशन नंबर वन जो है डिमांड कर रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन, आपके पास जो ई ए की जो वैल्यू है वो निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, और इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देनी है, और यही हम करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ई ए की वैल्यू हम कैसे निकालें, ई ए इट मीन्स, अब हम फिर ध्यान देंगे यहाँ पे, ई ए हेल्थ चार्ज सोर्स चार्ज क्यू है और टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट है, इन दोनों चार्जेस के बीच की इंट्रैक्शन है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मेरे केस में है। अब ये कैसे आया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, कहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ पी में मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, ए ओ दैट इज एल, ओ पी दैट इज एक्स, क्योंकि ए बी की टोटल लेंथ क्या है, टू एल, डायपोल लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की तो मेरे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया, जिसको जिन दो पार्टिकल मींस पी और ए के बीच का जो डिस्टेंस है। तो ई ए इक्वेशन जब अप्लाई किया तो मैंने यहाँ पे और यहाँ से आर की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास
इस स्टेप में मैंने इसके बाद जो नेक्स्ट किया मैंने इस वैल्यूज को पुट किया। ओके अब इसके बाद cos थीटा एज इट इज अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरे को अगला फोकस किसके ऊपर रहेगा? cos। आपके पास ये इक्वेशन डिवाइन खुद कर रही है कि cos थीटा के ऊपर थिंक अबाउट, आपको मजबूर कर रही है कि cos थीटा के ऊपर आप सोचिए। अब नेचुरली है cos थीटा के बारे में हम सोचना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि फिर डायग्राम पे हमने जाना पड़ेगा। अब थीटा है, cos थीटा कैसे आएगा? अब हमने वही राइट एंगल ट्राइंगल लेके ए ओ पी, तो ए ओ पी से हम cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में? एल है, और हाइपोटेन्यूज आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके तो ये हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल से cos थीटा निकाल दिया। ये सारा का सारा वर्क जब आप करेंगे तो पैरेलल कॉपी आपका जब आपको इसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ये सारा का सारा जो मेरा डायरेक्ट एक्स में है ये कहाँ रहेगा? दिस द कॉल्ड पैरेलल वर्क, राइट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जो आंसर जो जो आपका रिप्लाई है उसका इंटेग्रल पार्ट है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया? cos थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी। अब इसके बाद थिंक अबाउट दिस इक्वेशन। अब इसके बाद सोचिए कहा कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब इक्वेशन खुद डिमांड कर रही है, डिमांड क्या कर रही है? अब आप देखें इन दो फैक्टर्स को देखिए, दोनों परंतु बेस बराबर है, पावर डिफरेंट है, तो क्या रूल लगेगा? इफ बेस आर इक्वल देन पावर बी एड अप। तो इसकी पावर क्या है? पहले की फैक्टर की दैट इज वन, और दूसरे की क्या है? वन बाई टू। तो दोनों क्या हो जाएंगी? एड अप हो जाएंगी। तो हम इनको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे इस इक्वेशन को। अगला स्टेप क्या रहेगा? पावर्स को ऐड कर देंगे, राइट। तो वही हमने किया अगले स्टेप में, पावर क्या कर दी? ऐड कर दी, मीन वन प्लस वन बाई टू, एक में हाफ ऐड कर दिया तो आ गई थ्री बाई टू। ओके अब जो एक्सेल वाला केस था उस वक्त मैंने बात कही थी, जब आप क्वेश्चंस को प्रोसीड करें इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप मैनर में जब अटेम्प्ट करें, और लास्ट में आपको किस चीज के ऊपर सोचना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ रिलेशन किसके साथ निकालना है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के। तो अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो क्वेश्चन क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, राइट। क्योंकि यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करना है, जो अभी तक मैंने किया नहीं, राइट। तो इस इक्वेशन को क्या, व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की इंफॉर्मेशन आए? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू नोट डाउन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो मैंने लिख दी Q2L, राइट। अब इस इक्वेशन के ऊपर ध्यान दीजिए कि क्या Q2L बन रहा है या नहीं बना, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा है, टू आपके पास है और QL है, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने? इकट्ठा कर लिया, और तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन डायपोल मूवमेंट क्या जाएगी, वही मैंने अगले स्टेप में एक चीज किया। अब इसके बाद इस Q2L की जगह आप क्या लिखते हैं? डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी लिख दिया, और यही आपका टारगेट था, राइट। तो ये मोस्टली एग्जाम में यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए इक्वेशन निकालनी है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर टू फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। पर कभी क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है कि आपके पास जो है क्वेश्चन कभी एक टेल पूछ लेता है कहीं एग्जाम में कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन तो ड्राइव आउट करना है, तो एक छोटा सा एक जिसको कहते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चन डाल देता है कि आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। आर्टिकल में पूछ लिया गया है आपको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपका केस इक्वेशन नंबर वहां पे स्टॉप ना होके फिर अगला आपका, क्योंकि क्वेश्चन दो पार्ट में है, पार्ट नंबर वन आपका पहले हो गया, पार्ट नंबर टू कहाँ रहेगा? डायरेक्शन ऑफ ई। अब डायरेक्शन ऑफ ई के लिए फिर मैं इस पिक्टोरियल पे आता हूँ, राइट। ये जो केस है इसको मैंने एक्सक्लूसिवली यहाँ पे रिड्रॉ किया है, तो आपको जो देखते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है? दोनों कंपोनेंट एड अप हुए इस डायरेक्शन में, और जो मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से होती है? दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, बहुत फंडामेंटल है।
डायपोल लेंथ कहाँ है, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव लगती है। तो आप देखिए दोनों की डायरेक्शंस को इवेल्युएट कीजिए, एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ है, इट मीन दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल, दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल है, मींस अपोजिट टू ईच अदर, एक पॉजिटिव एक्सिस में है तो दूसरा नेगेटिव एक्सिस में, तो इट मीन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज अ 180 डिग्री, इन दोनों के बीच का जो एंगल दैट इज अ 180 डिग्री। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें जो अभी मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत इनसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब आपने क्या किया, मैंने इसको जो इक्वेशन नंबर टू थी, जो उसको मैंने यहाँ पे रीराइट किया है, तो इस इक्वेशन नंबर टू को वेक्टर की नोटेशन में मैंने कैसे लिखना है, मैंने इलेक्ट्रिक वेक्टर के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर यहाँ पे वेक्टर लगाना पड़ेगा, राइट। इलेक्ट्रिक वेक्टर 1/4 πε0 वेक्टर पी, फिर बाकी ऐसे ही लिख दिया, बट अपोजिट टू पी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप वेक्टर, क्योंकि इसको मैंने इसको आई या पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई कंपोनेंट से नहीं लिया है, तो मैंने इसको यहाँ पे जो मैंने इसको किया है अपोजिट टू पी, इट मीन जो इलेक्ट्रिक वेक्टर की जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब कभी क्या होता है कि एग्जामिनर अगर डायरेक्शन नहीं पूछी है तो आपके पास कभी पूछ लिया आता है, इफ यू आर या कभी पूछ लिया आता है कि पॉइंट पी लाइज एट वेरी वेरी लास्ट डिस्टेंस, तो उस केस में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन ड्राइव आउट करना है, तो आपका क्वेश्चन फिर ध्यान से सुनिए, यू हैव टू ड्राइव आउट द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन व्हेन पॉइंट पी लाइज एट वेरी वेरी लास्ट डिस्टेंस, तो आपका आर्टिकल यहाँ पे ओवर ना होने के टू पे ओवर नहीं रहेगा, यहाँ पे ओवर नहीं होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एल इज वेरी वेरी स्मॉल टू एक्स, राइट, जो एक्स है जो मीन्स जो डिस्टेंस है पी का, जहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले सेंटर से इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से, वो जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डायपोल लेंथ, या सिंपली एल के कंपेरिजन में जो एक्स है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। एल क्या है, तो एल इज उस केस में उस क्या कहते हैं एल को इग्नोर कर लेते हैं, और क्योंकि केस ऑफ पॉइंट पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का केस है, राइट। तो इसी केस में जहाँ पेयर है आपके पास एक्स और एल स्क्वायर का जो पेयर है, इस पेयर में क्या करेंगे हम एल को इग्नोर कर लेंगे, राइट, क्योंकि अगर हम इसको इसका एक्स स्क्वायर में अगर एल स्क्वायर ऐड करेंगे तो उसमें कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज प्रोड्यूस नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं 100 किलोमीटर में अगर मैं ऐड करना चाहूँ वैल्यू 0.0001, तो 0.001 हैव डज नॉट हैव एनी मीनिंग, क्योंकि 100 किलोमीटर में अगर मैं उसको ऐड अप इस वैल्यू को ऐड कर दूं तो लेंथ में कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए उस केस में हम क्या करते हैं उसको इग्नोर कर लेते हैं, वही हम नहीं किया। तो यहाँ पे फिर क्या रहा आपके पास एक्स स्क्वायर पावर 2 और ये जो है 2 कैंसिल आउट हुआ, आपके पास एक्स 3 रहा, और दिस इज इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है इक्वेटोरियल लाइन पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल तो जो कैसे वेरिएशन हो रही है डिस्टेंस के साथ 1/x³, क्लियर। तो ये चीजें आपको हर बार रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स को सम अप करने जा रहा हूँ, जितना भी अब तक हमने एक्सियल का केस किया, इक्वेटोरियल का आज का केस लिया, तो इन दोनों में क्या क्या आपकी अब कंपेरेटिव स्टडी है। अब एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे होगी, किसके कंपैरिजन किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में। तो एक्सियल लाइन जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, तो डायरेक्शन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मोमेंट की डायरेक्शन दैट इज अ सेम डायरेक्शन, दोनों कैसी हैं सेम डायरेक्शन में, क्योंकि आपका ये जो मैंने यहाँ पिक्टोरियल ड्रॉ किया, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है हमेशा, तो वहाँ पे उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में थी, तो दोनों कैसी हैं सेम डायरेक्शन में। तो आपने क्या कंक्लूड किया, यदि हम एक्सियल का केस है तो एक्सियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, राइट। जो अभी प्रेजेंट केस है इक्वेटोरियल का, इक्वेटोरियल के केस में कैसी है, अपोजिट है, जो हमने जस्ट एक्सप्लेन किया, राइट, यहाँ इस फिगर से जो जस्ट एक्सप्लेन किया दैट इज अपोजिट, ओके। अब
जो आपने अगर हम का दोनों का कंपेयर करें तो एक्सियल लाइन पे जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल के रखी है वो एक्सियल लाइन पे आपने ये वैल्यूज निकाल के रखी है। ठीक, अब इक्वेटोरियल लाइन का जो प्रेजेंट केस है आपका ये है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इन दोनों केसन को आप देखें तो दोनों केसन में क्या है, जो एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन के कंपेरिजन में एक्सियल लाइन पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मीन मोर मच वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, कितने स्ट्रॉन्गर है, दैट इज अ टू टाइम्स ऑफ द इक्वेटोरियल प्लेन, राइट। तो यहाँ पे जो प्लॉटिंग है E इज इक्वल टू आपके पास वो पॉइंट चार्ज के केस में E इज इक्वल टू वन ओवर आर स्क्वायर, ऐसे वेरिएशन रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का विद डिस्टेंस, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में क्या रहता है, वन ओवर आर क्यूब। आर क्यूब ले सकते हैं आप, एक्स क्यूब ले सकते हैं, जो मैंने प्रेजेंट केस में एक्स क्यूब लिया, ए क्यूब ले सकते हैं, डी क्यूब ले सकते हैं, तो जो अल्फाबेट है आपके ऊपर सिम्बोलिक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन विद डिस्टेंस इस तरह से वेरी करती है, तो ये इसलिए मैं इनको समअप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही चीज़ सारी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर चलेंगी। आपने इक्वेशन को ड्राइव आउट करना सीख लिया, एक्सेल पे पूछा गया आपने अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन इक्वेटोरियल पे पूछा गया वो भी आपने अटेम्प्ट कर लिया, बट इसके बाद इन चीज ये जो पॉइंट है समअप है पॉइंट है, इन बेसिस पे ऊपर आपको क्या आते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इनके बेसिस की एनालिसिस के बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। आपके पास बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पुटअप किए हैं, बोर्ड एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज नेगेटिव, राइट। डेफिनेटली क्या है इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, नेगेटिव है, वट डज इट सिग्निफाई, तो उसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब हुआ वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव का मतलब दैट इज अ डायरेक्शन, वो डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में, दैट इज द रिस्पेक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल के रिस्पेक्ट में अपोजिट है, यहाँ दिस यहाँ पे इसका यही सिग्निफाई कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ऐसे क्वेश्चन पूछा है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर, वही सेम आर्टिकल है आपके पास, बट यहाँ पे एग्जामिनर ने किस चीज के ऊपर आपको लॉक किया है, लेंथ 2a, जो डायपोल लेंथ यू हैव गिवन 2a, जो मैंने अभी प्रेजेंट केस फॉलो किया किस वहां पे डायपोल लेंथ मैंने क्या लेके चला था 2L, तो आपको जहाँ 2L है तो यहाँ पे इस केस को किस से लेके चलना है, 2A से लेके चलना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने कहा क्योंकि कभी एग्जामिनर लास्ट में पूछ लिया जाता है कि पहले तो आपका इट मीन्स ये आर्टिकल दो पार्ट्स में होगा, पार्ट वन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू डायपोल लेंथ, इलेक्ट्रिक डायपोल जिसकी डायपोल लेंथ 2A है एट पॉइंट पी, और फिर उसके बाद जो पार्ट सेकंड में आपने उसकी डायरेक्शन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट। अगला जो आर्टिकल है आपके पास एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे किसके ऊपर फोकस किया है, ब्रॉड साइड पोर्शन पे। ब्रॉड साइड ऑन पोर्शन का मतलब हुआ पोर्शन कहाँ पे है, पोर्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इट मीन्स आपने इक्वेटोरियल लाइन का केस है, इक्वेटोरियल लाइन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस टर्मिनोलॉजी। कुछ यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूँ और जो सही हैं करेक्ट आंसर हैं उनको मैंने लिखा, जो नहीं है उनको मैंने क्रॉस कर दिया है, राइट। तो इन स्टूडेंट्स जो जितने भी हैं मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इन सबको गो थ्रू, इन सब के गो थ्रू जाइए और अटेम्प्ट ट्राई टू अटेम्प्ट इन सबको अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने इसलिए यहाँ पे इसलिए उनको इनकॉर्पोरेट किया था कि जो आर्टिकल आप पढ़ें उसी उन्हीं आर्टिकल से कंसर्न मैंने यहाँ पे कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चंस आपके मेडिकल मोस्टली पूछे जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में, या कभी MCQ जो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में भी आपके आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिक डायपोल द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, राइट। जो इसके बाद जो मेरा टॉपिक रहेगा वो जनरल केस रहेगा, और जो मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाना चाहूँगा आपका जो इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जो हैं एक्सेल लाइन का केस बड़ा इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं, इक्वेटोरियल लाइन का भी इजीली फॉलोअप कर लेते हैं, बट जो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर रहेगा वो ना ही इक्वेटोरियल लाइन का केस है ना ही एक्सेल लाइन का केस है, दैट इज जनरल केस, यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवेयर,
एक्सेल और विक्टोरिया लाइन के अलावा आपको कहीं भी निकालनी है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस आर्टिकल को अटेम्प्ट करना छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने कहा देर आर थ्री केस, इलेक्ट्रिक डायपोल के तीन केसेज हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक्सेल लाइन का केस है, दूसरा विक्टोरिया लाइन का है जो अभी हमने अटेम्प्ट किया, और थर्ड दैट इज अ जनरल जो हम प्रेजेंट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो राइट, तो यह उस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही मैं उसको लेके आऊँगा और आप, ताकि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और ये आप उसको कंटिन्यू मेरे चैनल को कंटिन्यू सर्च आउट करते रहिए, क्योंकि उसको मैं बहुत सिंपल टेक्निक ढंग से उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मेरे को मालूम है कि मैं उस आर्टिकल में फोकस करूँगा कि स्टूडेंट्स जो हैं कहाँ मिस्टेक करते हैं और कहाँ वो ज़्यादा कन्फ्यूज़न उनको ज़्यादा होता है। तो जहाँ जब कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ कहाँ पे उनको ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, तो उसके ऊपर भी मैं वहाँ पर आपको फोकस करूँगा। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वारीज, एनी क्वेश्चंस, ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स आपके सारे कमेंट्स के लिए वेलकम करता है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि ताकि मैं आपको एक नए नए वीडियोस लेके आता रहूँ। तो डिस्टेंट दैट्स ऑल।